दिव्या भारती उस वक्त नवी क्लास में ही थी जब पहली दफा उन्हें गोविंदा के भाई और प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार ने राधा का संगम नाम की फिल्म के लिए अप्रोच किया था। चूंकि दिव्या को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी कभी थी ही नहीं, तो राधा का संगम फिल्म के लिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और डांस व एक्टिंग सीखने पर मेहनत करने लगी। दिव्या शुरू से ही जोली नेचर की थी। उन्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना बहुत पसंद था। दिव्या की ये आदत कीर्ति कुमार को पसंद नहीं आ रही थी। दरअसल एक दफ़ा दिव्या अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। इसी दौरान कीर्ति कुमार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्हें दिव्या से कोई ज़रूरी बात करनी थी, मगर जब दिव्या से उनकी बात हो ना सकी तो कीर्ति कुमार गुस्सा हो गए। कीर्ति नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि दिव्या उनकी फिल्म में काम करने जा रही हैं। दिव्या जब लौट कर आई और कीर्ति से मिली तो दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई और कुछ दिनों बाद दिव्या को पता चला कि उन्हें राधा का संगम फिल्म से हटा दिया गया है। उसके कुछ ही दिन बाद बोनी कपूर दिव्या से मिले। वो अपनी फिल्म प्रेम के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। बोनी कपूर दिव्या को प्रेम में कास्ट करना चाहते थे। दिव्या भी प्रेम में काम करने की तैयारी शुरू कर चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनकी जगह तब्बू को साइन कर लिया गया है। इसी तरह सुभाष घई भी सौदागर फिल्म में दिव्या को साइन करने उनसे मिलने आए थे, लेकिन वो रोल भी मनीषा कोइराला के पास चला गया। इस तरह रिजेक्शंस की उस हैट्रिक ने दिव्या को अपसेट कर दिया। वो दुखी रहने लगी। दिव्या को दुखी देख उनकी माँ मीता भारती उन्हें कश्मीर घुमाने ले गई, लेकिन कश्मीर की उस ट्रिप को दिव्या को बीच में ही कैंसिल करके मुंबई वापस लौटना पड़ा। दरअसल साउथ के नामी प्रोड्यूसर डी रामा नायडू दिव्या से मिलने आए थे। वो दिव्या को एक कहानी सुनाना चाहते थे। दिव्या वापस आकर उनसे मिली और उन्होंने पूरी कहानी सुनी। फिर डी रामा नायडू ने दिव्या की माँ से पूछा कि क्या आप लोग आज ही मेरे साथ हैदराबाद चल सकते हैं। दिव्या फौरन राजी भी हो गई। वो फिल्म जिसमें दिव्या को कास्ट करने के लिए डी रामा नायडू आए थे, उसका नाम था बोब्बिली राजा। तेलुगु भाषा की ये फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट रही थी। वैसे दिव्या की पहली रिलीज्ड फिल्म थी नीला पिन्नाई, जो 1990 में ही आई थी। वो एक तमिल फिल्म थी। दिव्या साउथ की फिल्में खत्म करके मुंबई लौटी ही थी कि उन्हें पता चला राजीव राय भी उन्हें अपनी फिल्म विश्वात्मा में कास्ट करना चाहते हैं। दिव्या राजीव से मिली और कहानी सुनने के बाद उन्होंने मात्र 500 रुपये साइनिंग अमाउंट लेकर विश्वात्मा साइन कर ली। विश्वात्मा सुपरहिट रही। दिव्या पर फिल्माया गया गीत सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। देखते ही देखते दिव्या फिल्म इंडस्ट्री की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस बन गई। लगभग इसी वक्त पर आयशा झुलका और पूजा भट्ट ने भी अपना फिल्मी सफर शुरू किया था, लेकिन दिव्या उन दोनों से कहीं आगे थी। अब तक जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में दिव्या भारती के बारे में बताई हैं, वो सब दिव्या भारती जी की माँ मीता भारती ने एक इंटरव्यू में बताई थी। उसी इंटरव्यू में मीता भारती जी ने यह भी बताया था कि स्टार एक्ट्रेस बनने के बाद भी दिव्या का बचपना नहीं गया था। एक दफ़ा साजिद नाडियाडवाला ने मुंबई के चाइना गार्डन में दिव्या की बर्थडे पार्टी रखी थी। पार्टी के बाद दिव्या कार के बोनट पर चढ़कर नाचने लगी। साजिद ने दिव्या से उतरने को कहा। उन्होंने दिव्या से कहा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन गोविंदा जो उस पार्टी में शामिल हुए थे उन्होंने साजिद से कहा कि लाइफ को ऐसे ही एंजॉय किया जाता है मेरे दोस्त, करने दो उसे एंजॉय। दिव्या की माँ मीता भारती जी ने उसी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि तमाम खूबियाँ होने के बावजूद दिव्या में एक खामी भी थी। गुस्सा आने पर वो खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करती थी। मृत्यु से कुछ महीने पहले दिव्या अमेरिका गई थी। वहाँ वो किसी बात को लेकर अपसेट हो गई और गुस्से में दिव्या ने सिगरेट से अपने हाथों को जला लिया। इसी तरह राधा का संगम फिल्म के दौरान जिससे दिव्या को हटा दिया गया था, उस वक्त भी दिव्या किसी बात को लेकर इतनी डिस्टर्ब हुई कि उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे।